जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट गगन जौली, रोल नंबर 4 पंजाब एयर स्क्वाड्रन एनसीसी लुधियाना। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर अबाउट एयरमैनशिप, इन विच आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक दैट इज एयरफील्ड लेआउट। सो जैसे हमारा ये एरोड्रोम है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एयरफील्ड मार्किंग्स, देन एरोड्रोम मार्किंग्स, देन रनवे मार्किंग्स एंड टैक्सीवे मार्किंग्स। सो अ लॉट टू नो एंड अ लॉट टू डिस्कस, सो लेट अस बिगिन। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि नाम बता रहा है कि एयरफील्ड की लेआउट कैसी होगी। सो दिस इज़ द रनवे, ठीक है, और ये इसकी बिल्डिंग्स हो गई, सारी इंस्टॉलेशंस हो गई। तो अब हम इस पूरे को कहते हैं एरोड्रोम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एयरफील्ड लेआउट्स कैसे होंगे, रनवे की मार्किंग कैसी होगी, टैक्सी मार्किंग कैसी होगी एंड मच मोर टू लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयरफील्ड लेआउट, जैसे नाम बता रहा है कि भाई एयरफील्ड का लेआउट कैसे होगा, लेआउट में उसकी सीटिंग, उसका लेआउट, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर। और इसकी नीड होती है कि एक प्रॉपर फ्लो बना रहे एयर ट्रैफिक का, और ये जरूरी है कि जो भी लेआउट हो वो एक प्रिसाइज और सेम हो एवरीवेयर, मतलब कि एक जनरल सा हो ता जो कि हर कोई उसको फॉलो कर सके, उसको याद रख सके। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ अ बेसिक एरोड्रोम और अ बेसिक एयरपोर्ट। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दिस वन, दैट इज़ रनवे। यहाँ पे ही आपका एयरक्राफ्ट लैंड होगा या यहीं से ही टेक ऑफ होगा। सो रनवे के आने के बाद, मतलब जब लैंड होने के बाद यहाँ पर पहुँच गया एयरक्राफ्ट, तो उसका पहला काम होता है कि रनवे को खाली करना, सो दैट अदर एयरक्राफ्ट्स कैन लैंड ऑन दिस रनवे। तो यहाँ से भाई वो खाली करेगा, यहाँ पर जाके यहाँ से एयरक्राफ्ट अपना जो रनवे है उसको क्लियर करेगा। दिस वे इज़ नोन एज टैक्सी वे, जहाँ से उसको टैक्सी की जाती है। अब ये पायलट की मर्ज़ी है कि वो अपने रनवे से उसको टैक्सी वे से एप्रन पर लेके जा सकता है, रैंप पर लेके जा सकता है, मोर ओवर उसको हैंगर में पार्क भी कर सकता है। सो दीज आर द मेन थिंग्स जो हर किसी को पता होनी चाहिए। सो बाकी तो कॉमन ही है, लाइक मेंटेनेंस, पार्किंग, टर्मिनल एंड फर्दर। कमिंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ मूवमेंट एरिया। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि मूवमेंट, कौन से एरिया में एयरक्राफ्ट मूव कर सकता है, दैट इज़ नोन एज द मूवमेंट एरिया। इट कैन बी रनवे, टैक्सी वे, डिस्पर्सल एरिया एंड एप्रन्स। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, दिस इज़ द रनवे, दिस इज़ द टैक्सी वे, दीज आर द एप्रन्स और बाकी का एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट मूव कर सकता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज़ फ्लाइट स्ट्रिप। अब फ्लाइट स्ट्रिप एक ऐसा रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है जिसके रनवे के साइड पे, जिस जहाँ पे शोल्डर्स होंगे, क्लियर जोन होगा और पेव्ड ओवर रनवे होगा। मतलब कि एक रनवे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसा सिंपल नहीं होता, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है उसकी सेफ्टी को देखना, ठीक है, बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखना, इसके लिए रनवे के साइड्स में एक शोल्डर बनाया जाता है दोनों साइड्स में, और उसके साइड्स में एक क्लियर जोन बनाया जाता है, ठीक है, ताकि एक सेफ्टी मेजर्स बरकरार रहें। सो दिस इज़ द वट इज़ शोल्डर इज़, सॉरी वट इज़ द फ्लाइट स्ट्रिप इज़, इस सारे को हम फ्लाइट स्ट्रिप कहते हैं, ये सारी। सो मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, रनवे। रनवे जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वेयर एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ। देन द फोर्थ थिंग इज़ टैक्सी वे। टैक्सी वे भी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से एयरक्राफ्ट अपनी मूवमेंट करता है बाकी एरियाज में जाने के लिए, दिस इज़ द टैक्सी वे। नाउ कमिंग टू शोल्डर्स। शोल्डर्स जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द एरियाज इमीडिएट एडजेसेंट टू द एज ऑफ रनवे, टैक्सीवे, ओवररन्स एंड एसजीएस। मतलब कि रनवे के बिल्कुल साथ लगा एरिया, ये रनवे है, इसके बिल्कुल साथ लगा हुआ एरिया शोल्डर्स होता है। नाउ द क्लियर जोन। क्लियर जोन दीज आर द एरियाज एडजेसेंट टू शोल्डर्स। मतलब कि जैसे रनवे की साइड पे शोल्डर है, वैसे ही शोल्डर की साइड पे क्लियर जोन है दोनों साइड। नाउ द ओवर रन एरिया, अ डिफाइंड रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द ग्राउंड एट द एंड ऑफ रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ प्रिपेयर्ड एज अ सूटेबल एरिया इन विच एन एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप्ड इन केस ऑफ टेक ऑफ एंड ड्यूरिंग अ लैंडिंग एमरजेंसी। मतलब कि ओवर रन एरियाज होते हैं जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट की अगर टेक ऑफ के टाइम अगर टेक ऑफ सही नहीं हुआ तो वो वहाँ तक जा सकता है। मतलब कि अगर हम टेक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लेट अस टेक, हाँ यहाँ से मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ, तो एंड में जाके एक ओवर रन एरिया होगा,
मतलब कि जैसे मेरा टेक ऑफ फेल हो जाता है तो मैं वहाँ तक अपने एयरक्राफ्ट को लेके जाके उसको रोक सकता हूँ। दिस इज़ द ओवररन एरिया। सो हमने चारों डेफिनेशंस क्लियर कर ली। लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ द फ्लाइट स्ट्रिप, रनवे सेंटर में उसकी साइड्स में शोल्डर और उसकी साइड्स में क्लियर जोन। दिस इज़ द पिक ऑफ एरोड्रोम, ये आपका रनवे आ गया, ये बिल्डिंग्स, दीज आर द इंस्टॉलेशंस एंड फर्दर। नाउ एरोड्रोम मार्किंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा आपका एरोड्रोम है, यहाँ पे अलग अलग मार्किंग्स होंगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरोड्रोम मार्किंग कंसिस्ट ऑफ साइंस ऑन द सरफेस ऑफ मूवमेंट एरिया, ठीक है। एरोड्रोम मार्किंग्स कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, पहली तो रनवे मार्किंग्स, देन टैक्सीवे मार्किंग्स, देन अनसर्विसबिलिटी मार्किंग्स। सो लेट अस टॉक अबाउट देम। रनवे मार्किंग्स, रनवे ये होता है आपका, इसके बारे में बात करते हैं। सो रनवे मार्किंग्स में भी भाई आगे जाके पांच तरह की मार्किंग्स होती हैं। फर्स्ट वन बीइंग रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग। रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग शैल कंसिस्ट ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड वन पैरेलल रनवे शैल बी सप्लीमेंटेड बाय अ लेटर। मतलब कि इस जो ये मार्किंग है इसको हम रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग कहते हैं। ये जो नंबर होता है ना, ये शो करता है कि रनवे की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम द नॉर्थ। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नाउ द रनवे सेंटर लाइन मार्किंग्स। जैसे सेंटर ने बता ही दिया है, दीज आर दीज मार्किंग जो सेंटर में होती हैं, ब्रोकन लाइन्स टाइप। दिस इज द रनवे सेंटर लाइन मार्किंग। सो नेक्स्ट इज रनवे थ्रेशहोल्ड मार्किंग। द मार्किंग शैल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स ऑफ यूनिफॉर्म डायमेंशंस प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रनवे सेंटर लाइन एंड एक्सटेंडेड लेटरली टू 1.5 मीटर फ्रॉम एजेस ऑफ रनवे। मतलब कि ये थ्रेशहोल्ड मार्किंग, यहाँ पे साइड में एक ये रही, ये एक थ्रेशहोल्ड मार्किंग हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे है रनवे टच डाउन जोन मार्किंग। टच डाउन का मतलब नाम में ही है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट ने नीचे को टच करना है। दिखाते हैं अगर, हाँ ये रहा, मतलब कि यहाँ पे आके एयरक्राफ्ट को भाई टच डाउन कर देना चाहिए। दिस इज़ द आइडल मार्किंग फॉर द टच डाउन एरिया ऑफ एन एयरक्राफ्ट। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट 600 मीटर्स के बीच बीच में ये होती है, ठीक है। देन दीज आर द स्पेसिंग ऑफ 150 मीटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड रनवे साइड स्ट्रिप मार्किंग्स। साइड स्ट्रिप मार्किंग्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल पेव्ड रनवेज। दीज मार्किंग्स शैल कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस एक्सटेंडेड द होल लेंथ। जब जैसे इसने नाम बता ही दिया कि साइड स्ट्रिप, ये यहाँ पे शो नहीं की हुई लेकिन यहाँ पे साइड्स पे एक मार्किंग होती होती है, शायद पीछे होगी दिस वन, ये जो आपको दिख रही है ना पतली सी, ये वाली साइड स्ट्रिप जो दिखाती है कि रनवे की साइड्स ये हैं। दीज आर नोन एज रनवे साइड स्ट्रिप मार्किंग्स। सो ये हमने सारा रीड कर लिया रनवे मार्किंग्स के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड दीज आर टैक्सीवे मार्किंग्स। नाउ टैक्सीवे मार्किंग में भी भाई दो तरीके की मार्किंग होती है। फर्स्ट वन बीइंग टैक्सीवे सेंटर लाइन मार्किंग, जैसे नाम ने बता दिया भाई सेंटर लाइन होगी। देन द सेकंड इज रनवे होल्डिंग पोजीशन मार्किंग। अब रनवे होल्डिंग पोजीशन मार्किंग क्या होती है कि दीज मार्किंग्स शैल कंसिस्ट ऑफ फोर लाइंस विथ ईच विद स्पेसिंग ऑफ 0.15 मीटर। अब ये वाली मार्किंग्स हम कह सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम अपने जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे उसको हम रोक सकते हैं। दैट मार्किंग्स आर कॉल्ड एज रनवे होल्डिंग पोजीशन मार्किंग्स। अब इनकी आपको डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि ये अनब्रोकन लाइंस होती हैं 0.15 मीटर वाइड। ये आप अपनी पीडीएफ में से एक बार गो थ्रू कर लेना एंड इन मार्किंग्स को हाईलाइट करके या कहीं पे लिख लेना, इट विल बी बेनिफिशियल। नाउ द थर्ड मार्किंग, हमने रनवे मार्किंग कर ली, टैक्सीवे मार्किंग कर ली। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द अनसर्विसबिलिटी मार्किंग्स। सो जैसे मैं बताता होता हूँ कि नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, इसी के नाम में भी सब कुछ छुपा हुआ है कि अनसर्विसबिलिटी, मतलब कि जहाँ पे बोले एरिया मूवमेंट के लिए ठीक नहीं है, नॉट फिट फॉर द मूवमेंट, नॉट फिट फॉर द लैंडिंग, नॉट फिट फॉर द टेक ऑफ एंड सरफेस मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब कि बोला एरिया सही ही नहीं है, इट इज़ नॉट सर्विसेबल, वहाँ पे ये वाला क्रॉस बना होगा ऐसे का, ठीक है। सो ये हमने तीन तरह की मार्किंग्स कर ली। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स कि हाँ भाई मार्किंग तो हो गई लेकिन जब रात होगी या फिर फोग होगी तो मार्किंग्स किसे दिखेंगी? ऑब्वियसली बात है कि मार्किंग तो किसी को दिखेगी नहीं। दैट्स वाई देयर आर एरोड्रोम लाइटिंग्स। लाइटिंग मतलब कि एक वहाँ पे रनवे के ऊपर
लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। सो दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ अप्रोच एंड एयरफील्ड लाइटिंग्स इन यूज इन द सर्विस। अब एरोड्रोम लाइटिंग्स इज कंसिडर्ड अंडर टू हेड्स, ये दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट वन बींग अप्रोच लाइटिंग, सेकेंड वन बींग एयरफील्ड लाइटिंग। अप्रोच लाइटिंग जैसे फिर से नाम ने बता दिया कि भाई अप्रोच करने में हेल्प करती है, दिस इज़ टू असिस्ट द पायलट टू मेक एन अप्रोच फॉर लैंडिंग इन पुअर विजिबिलिटी। मतलब कि ये स्टार्टिंग में लगी होगी रनवे के, ठीक है, पायलट को बताएंगी कि यहाँ से रनवे स्टार्ट है, यहाँ से आप अपना अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड बीइंग एयरफील्ड लाइटिंग्स, मॉडर्न इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ रेज्ड हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट्स अलोंग ईच साइड ऑफ द रनवे। मतलब कि एयरफील्ड लाइटिंग्स जो अपना ये एयरफील्ड होता है, दिस वन, ठीक है, इसके साइड्स में लाइटिंग लगी होगी, ये बताएगी कि हाँ एयरफील्ड की विड्थ इतनी है और ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सो दिन का भी हो गया, दिन को भाई मार्किंग्स काम आएंगी, और रात का भी हो गया कि रात को अगर विजिबिलिटी नहीं होती तो लाइटिंग काम आएगी, ठीक है, और फॉग में भी लाइटिंग काम आएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सेकेंड टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड इट। एक बार अपनी PDF में गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये जो होती है ना कि इतनी इनकी विड्थ कितनी है, ठीक है, इनमें डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और आपको ये एक बार हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर PDF। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर सेकेंड लेक्चर इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट सम एयरफील्ड मार्किंग्स। तो आप इस वीडियो से फिर से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, जो जो आपको समय में नहीं आया है आप उसको फिर से समझ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, द थर्ड लेक्चर ऑफ द एयरमैनशिप।